और हम सब जुड़ें। विकास किस प्रक्रिया के साथ जुड़ें? उत्तराखंड जिन संभावनाओं को लेकर आगे बढ़ रहा है, एक समृद्धतम राज्य के रूप में आगे बढ़ें, लेकिन ये तब संभव हो सकता है जब हम उत्तराखंड के इन पहाड़ियों के पलायन को रोकने में सफल हो सके। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। चैलेंज इसलिए भी है कि इतनी अच्छी हिमालय की वादियों को छोड़ करके हम मैदानी क्षेत्र में जाते हैं जहां बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव देखने को मिलता है, और वहां पर तमाम प्रकार की समस्याएं भी। आज तो आपके पास ये चीजें पहुंच चुकी हैं। कितना पहुंच चुका है, यानी गांव गांव में सड़क आ चुकी है, बिजली पहुंच चुकी है, पानी पहुंच चुका है, साधन आ चुके हैं, हर प्रकार की सुविधाएं आ चुकी हैं। उत्तराखंड में भी पहाड़ी क्षेत्रों में हॉस्पिटल गांव गांव और अलग अलग क्षेत्रों में बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बने हैं, एनआईटी बना है, अन्य नए नए सेंटर स्थापित हो रहे हैं। टिहरी में जिस झील के किनारे हमारे इस कार्यक्रम को आयोजित यहां पर किया गया है, ये अपने आप में कितना बड़ा केंद्र बन गया है। टूरिज्म का बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है, वाटर स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा सेंटर बन सकता है। बहुत इस प्रकार के कॉटेज बना करके आप दुनिया के पर्यटकों को यहां पर आकर्षित कर सकते हैं, हजारों नौजवानों को इसके साथ रोजगार के साथ जोड़ सकते हैं। जो रोजगार और जो नौकरी आपको नीचे पहाड़ में, नीचे मैदान में नहीं मिलेगी, वो आपको पहाड़ों के अंदर मिल जाएगी। साथ साथ इतनी खूबसूरत प्रकृति के बीच में रहने का आनंद भी अपना अलग है। उन सबको टटोलने की आवश्यकता है, और ये केवल उत्तराखंड के लिए ही नहीं, देश की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। देश की सुरक्षा से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। प्लान हर हाल में रुकना चाहिए। थोड़ी सुविधा के पीछे अगर हम अपने गांव को छोड़ रहे हैं, अपनी भूमि को छोड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है हम स्वयं के प्रति तो अन्याय कर रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी के साथ अन्याय कर रहे हैं, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करने की छूट दे रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने इन पहाड़ों में तब अपना निवास बनाया था जब साधन नहीं थे आने जाने के। आप सोचिए, जब ऋषिकेश से ऊपर कोई यात्रा की लाइन नहीं रही, जब कोई वाहन नहीं चलते रहे होंगे, और 1962 से पहले तो नहीं ही थे, तब कैसा रहा होगा? तब भी लोग बसे थे इन पहाड़ों में, तब भी लोग पैदल चले थे, तब भी लोगों ने न केवल यहां पे अपना जीवन रह करके गुजारा था, अभी तो देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन लोगों ने तब भी अपना योगदान दिया था। तो आज आखिर ऐसी स्थिति क्या? सड़क बन गई, बिजली आ गई, पानी आ गया, स्कूल कॉलेजेस बन चुके हैं, विश्वविद्यालय बने हैं, अच्छी संस्थाएं ऊपर क्षेत्र में आई हैं, पर्यटन के रूप में ये सभी पहले की तुलना में काफी अच्छी दिशा में विकास, पिछले 19 वर्षों की विकास की यात्रा अद्भुत है, बहुत अभिनंदनीय है। और पिछले 2.5 वर्ष के अंदर तो बहुत तेजी के साथ विकास की ओर श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने एक नई ऊंचाइयां उसकी दिशा में बढ़ाया है, और मुझे लगता है कि ये हमें फिर से उत्तराखंड में वापस आने के लिए एक नया जो है संदेश देता है। और ये नए संदेश की दिशा से ही आज यहां पर जो एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है रेबारदो का, जिसमें एक बहुत अच्छा संदेश इन्होंने इसके माध्यम से यहां पर देने का प्रयास किया है। और इस दिशा से मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि आवा आपण घोर के इस जो एक थीम दी है रेबारदो का, कि आओ अपने घर को, यानी अपनी जड़ों से फिर से जुड़िए। याद रखना, जड़ से हिलावा पेड़ एक समय के बाद सूख जाता है, अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और जब तक जड़ें पेड़ की मौजूद हैं धरती पर, तब तक वह हरा भरा रहता है। हमें हरा भरा रहना है, और इस दिशा से रेबारदो का आयोजन अलग अलग स्थानों पर हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा, अभिनंदन करूंगा श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का कि उन्होंने कोई कार्यक्रम यहां पर रखा है, कोई टिहरी में, कोई श्रीनगर में, कोई अल्मोड़ा में,
कोई नैनीताल में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर ये कार्यक्रम रखे हैं, और ये कार्यक्रम जनपद स्तर पर भी होने चाहिए। स्कूली बच्चों की सहभागिता भी इसके साथ की जानी चाहिए। अलग अलग स्कूल कॉलेजेज में भी ये कार्यक्रम होने चाहिए। उन्हें भी संकल्प दिलाया जाना चाहिए कि वे अपनी नौकरी, अपने रोजगार की संभावनाओं को इन्हीं पहाड़ियों में और इसी क्षेत्र में ढूंढेंगे और यहीं पर उसको स्थापित करेंगे। बहुत संभावनाएं बन सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप सबको मेरी ढेर सारी बधाई, मेरी शुभकामनाएं। इस पूरे आयोजन के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको यहाँ की जो हमारे पवित्र धाम है, माँ गंगा, माँ यमुना, इन सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।